नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज देखिएगा, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन आपको पूरा देखना होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप रीट का एग्जाम भरने के लिए योग्यता रखते हो, फॉर्म भरने के लिए योग्यता रखते हो दोस्तों यहाँ पर, तो एक एक चीज जो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है दोस्तों यहाँ पर, आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी कि जो फॉर्म भरने का जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों यहाँ पर, जो 31,000 वैकेंसियों को किस रूप में डिवाइड किया जाएगा, आपको क्या योग्यता रखनी होगी दोस्तों यहाँ पर, और आपको कितना आरक्षण मिलेगा, कब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कितना छूट मिलेगा, और आपका जो पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो देखिएगा जी, जो हाईलाइट मैंने कर रखा है दोस्तों यहां पर, इन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये 2018 की भर्ती में है दोस्तों यहां पर। प्रत्येक विषय का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका इस टाइप का होगा, पूरा बिल्कुल इस टाइप का होगा, लेकिन उसमें जो अलग आपको केवल देखने को जो अलग मिलेगा वो आपको यहां पर डेट अलग मिलेगी दोस्तों यहां पर। जो डेट 2018 देख रखी है वो डेट 2021-22 मिलेगी दोस्तों यहां पर। उसके बाद देखिएगा यहां पर, इसके बाद है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि जो कार्यालय निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर है, इसके स्थान पर यहां पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पूरी भर्ती की जिम्मेदारी ले रहा है दोस्तों यहां पर, ये आप क्लियर कर लो। इसके बाद जो विज्ञापन संख्या है, यहां पर विज्ञापन संख्या आपका बदल जाएगा, और जो विज्ञापन संख्या आएगा वो यहां पर 13 और 2021 की विज्ञापन संख्या आने वाला है दोस्तों यहां पर आपका। अब देखिएगा यहां पर पदों की संख्या, अब किस आधार पर आपके पद डिवाइड किए जाएंगे, ये 2018 इंग्लिश सब्जेक्ट का है दोस्तों यहां पर, जिसमें 9,278 यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के पद दिए गए थे। प्रत्येक जो सब्जेक्ट के आधार पर जो वैकेंसी निकलेगी आपकी वो इसी आधार पर होगी दोस्तों यहां पर। जो आपका नोटिफिकेशन होगा बिल्कुल सेम यही नोटिफिकेशन होगा, जो धाराएं के अनुसार उसमें प्रावधान, क्या प्रावधान दे रखे हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए, टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए क्या दे रखा है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन, आपके जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो एसएसओ आईडी के माध्यम से कंप्लीट कराए जाएंगे, और आपको जो टाइम मिलेगा वो केवल 20 दिन का आपको टाइम मिलने वाला है दोस्तों यहां पर ऑनलाइन आवेदन का। अब ऑनलाइन आवेदन कौन कर सकता है, इसके लिए पात्रता कौन रखता है दोस्तों यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है यहां पर। अब देखिएगा यहां पर, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत लेवल द्वितीय अंग्रेजी वरीयता सूची मेरिट लिस्ट में यहां पर सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसको देखना, राजस्थान पात्रता परीक्षा रिट के लेवल द्वितीय में न्यूनतम 60% उत्तीर्ण और मिनिमम मार्क्स यहां पर हो अर्जित करना अनिवार्य होगा, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक है, ये अधिसूचना दे रखी है, यानी कि जो यहां पर नियम और कानून बनाया था 2011 में रिट को लेकर, उसी के आधार पर यह अधिसूचना निकलने वाली है आपकी। और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 36% उत्तीर्ण पासिक मार्ग अनिवार्य होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर, यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक उत्तीर्ण होने के पश्चात अतिरिक्त विषय विकल्प इंग्लिश अंग्रेजी उत्तीर्ण किया हुआ है, तो यहां पर स्नातक के अंकों का प्रतिशत निकालते समय स्नातक व अतिरिक्त स्नातक के प्राप्तांक जोड़ ये जाकर कुल यहां पर प्राप्त अंकों का 30% अंकवार माना जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है जो हमने अंडरलाइन कर रखी है, ये है अभ्यर्थियों के आवेदन से संबंधित नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमवृत्त यहां पर परसेंटेज प्राथमिकता देनी अनिवार्य है यहां पर, और अभ्यर्थी को जिलेवार विकल्प सूची में सम्मिलित होने के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के 30 जिलों की वरीयता दे सकेंगे, यानी कि आप कहां पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं दोस्तों यहां पर, जिसमें आपको यानी कि पूरा 30 जिलों का आपको भरना होगा, पूरे जो आपका यहां पर 30 जिले आपको भरने होंगे कि कहां पर, उसको आपको परसेंटेज के आधार पर, योग्यता के आधार पर आपको जिस जिले में ज्वाइनिंग दी जाएगी यहां पर। इसके बाद देखिएगा यहां पर,
ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और जो महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि SSO राजस्थान GOB की वेबसाइट पर आपके ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ई मित्र का शुल्क है वो ₹30 ई मित्र का शुल्क, लेकिन जो ई मित्र वाले है वो लगभग यहाँ पर 100 से ₹150 आपसे लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना। अगला देखिएगा जिलेवार पद, आपके जिलेवार पद निकाले जाएंगे अभी कुछ, यानी कि लगभग इस महीने के अंतिम सप्ताह में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, यहां पर ये ध्यान रख लेना सभी। और जिले वाइज वैकेंसी आपकी निकलने वाली है यहां पर, यानी कि जो 31,000 रिट की वैकेंसियां हैं इसमें आपको आरक्षण का प्रावधान देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर जो आरक्षण के पात्र रखते हैं, पात्रता रखते हैं, अब देखिएगा आरक्षण से संबंधित है यहां पर 11.2 में उल्लेख किया गया है कि वेतनमान से संबंधित, आरक्षण से संबंधित और अध्यापक पद पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत इंग्लिश से संबंधित योग्यताएं क्या क्या रहने वाली है। अब इसमें योग्यता देख लीजिएगा, यहां पर योग्यता है, यानी कि ये योग्यता का प्रारूप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर। इसके बाद देखिएगा ये भी यहां पर दे रखा है, योग्यता दे रखी है दोस्तों यहां पर। अगर आप इस योग्यता को नहीं रखते हैं, इस योग्यता के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों यहां पर, तो आपको फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा विभाग की तरफ से। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट है, स्पष्टीकरण यहां पर दे रखा है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा अनिवार्य, यहां पर ये देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर, ये डिप्लोमा क्या है, NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त है शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा, ये दे रखा है इसमें। और यहां पर देखिएगा, यहां पर लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यहां पर नियुक्ति आपकी किस आधार पर होगी। इसके बाद देखिएगा आयु सीमा के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों यहां पर। पूरी जो PDF है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरक्षण का प्रावधान देख लीजिएगा, अब यहां में किस वर्ग को कितना % आरक्षण मिलेगा यहां पर, इसमें देखिएगा जो आरक्षण के योग्य है, स्पष्टीकरण यहां पर दे रखा है। तो देखिएगा विज्ञापन पदों के राजस्थान के अनुसूचित जाति जाति के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/2013 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को आगामी 3 वर्षों के लिए अंग्रीनृत किया जाएगा, यदि जोड़ दिया जाएगा पिछली भर्ती में इसको ऐड कर दिया जाएगा जो पद खाली रह जाते हैं, यहां पर 3 वर्ष की अवधि में संघनित नहीं किया जाएगा, ये देखिएगा यहां पर। अगला क्या है इसमें देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, यानी कि जो अध्यापक से संबंधित है यहां पर, इसमें देखिएगा 2018 की भर्ती में 12.5% जो यहां पर आरक्षण दे रखा है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% वैकेंसी अलग से निर्धारित की गई है। 2% यहां पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है दोस्तों यहां पर, ये उनके लिए अलग से है, इनमें और कैंडिडेट अदर कैंडिडेट नहीं भर सकता है। 3% यहां पर निसंतान जन अभ्यर्थियों को है दोस्तों पर, इसके बाद आरक्षण दे होगा। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रावधान क्या होंगे ये मैंने अभी आपको बताया था। एक चीज और ध्यान रख लेना, जो विधवा है, विधवा से संबंधित है, विडो से संबंधित है दोस्तों यहां पर, उसके लिए जो आरक्षण का प्रावधान कितना है, तो उनके लिए है 8% वैकेंसी अलग से रखी गई है दोस्तों यहां पर, केवल जो यहां पर विधवा महिला है वो ही इसमें आवेदन कर सकती है। और यहां पर देखिएगा 2% यहां पर परित्यागता विवाह छेद महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान लागू किया गया है इन भर्तियों में। अगला देखिएगा यहां पर विज्ञापन पदों के लिए, ये अपना स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों यहां पर, जो भी है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आवेदन शुल्क से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज, तो यहां पर आवेदन जो करने का है वो यहां पर शुल्क आप देख लीजिएगा, सामान्य वर्ग बे यहां पर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए ₹100 फीस तय होगा दोस्तों यहां पर। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु यहां पर ₹70 फीस ली जाएगी। राजस्थान के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए ₹60 यहां पर रुपए लिए जाएंगे दोस्तों यहां पर। राजस्थान राज्य के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति व ये अलग राज्यों से संबंधित है दोस्तों यहां पर, जो फॉर्म भर सकता है उनके लिए, जो अलग स्टेट से आते हैं। अब देखिएगा भर्ती की प्रक्रिया, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
अब यहां पर देखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। यहां पर अब यहां पर देखिएगा, न्यूनतम 60% उत्तीर्ण मिनिमम पासिंग मार्क अर्जित करना अनिवार्य होगा, परंतु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक ये 2011 दिनांक 12 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल एरिया के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 36% जैसा आरक्षण आपको प्रदान किया गया है कि 60% जनरल वालों को यहां पर और ओबीसी और यहां पर एससी एसटी वालों के लिए 55% दी गई है, और यहां पर जो विधवाओं और यहां पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 45% दे रखी है, और शहरी जनजाति के लिए यहां पर 36% है। इतना मिनिमम पार्षद मार्ग होना चाहिए, जब ही आप इस में फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यहां पर अगला देखिएगा, यहां पर एक एक चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, तो यहां पर देखिएगा, इसके बाद देखिएगा जो आपकी ये यहाँ पर शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा, एक शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा वो कि आप सब चीज यानी कि आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर गलत पाया जाता है यहाँ पर जो भी आपकी योग्यता से संबंधित है तो आपको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा भर्ती के दौरान बाद में। अगला जो आपकी वैकेंसी होगी, अब वैकेंसी देखिएगा किस आधार पर होगी, ये 2018 की वैकेंसियों को इंग्लिश सब्जेक्ट के आधार पर बांटा गया था, तो प्रत्येक जिले से अलग अलग वैकेंसी यहां पर आपकी आने वाली है, उसमें आपको भरने का मौका मिलेगा। वैसे आपको परसेंटेज के आधार पर ये जिला प्रोवाइड कराए जाएंगे, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज बन रही है कट ऑफ के आधार पर तो आपको चॉइस के आधार पर आपको वो जिला दे दिया जाएगा, अगर आपकी यहाँ पर परसेंटेज कम बन रही है और आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको चॉइस के आधार पर सबसे अंत का जिला दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना, इस तरह से आपको नॉन टीएसपी टीएसपी प्रत्येक विषय का जो शेड्यूल होगा वो इसी नोटिफिकेशन के आधार पर होगा दोस्तों यहाँ पर, और जो योग्यता होगी इस आधार पर आपको वैकेंसी निकलेगी कि किस सब्जेक्ट में कहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी खाली है दोस्तों यहाँ पर आपको। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बता रहा हूं आपको, एसएसटी हिंदी और यहां पर सामाजिक अध्ययन, ये आपको संस्कृत, ये आपको अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन इसी आधार पर पूरा नोटिफिकेशन ऐसा ही आएगा, नियुक्ति से निहर्ता योग्यता आयु आरक्षण सभी चीज यही होगी दोस्तों यहां पर उसमें, लेकिन वैकेंसी कितनी होगी वो अलग होगी, लेकिन आपके जो फॉर्म है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा, जो एक बात और बता दूं, चलो मैं इसमें एक बार और बता देता हूं दोस्तों, यहां पर पिछली जो फाइनल कट ऑफ गई थी प्रत्येक सब्जेक्ट की वो और मैं जोड़ रहा हूं इसी वीडियो में, तो उसको देख लेते हैं हम, आपका सिलेक्शन किस आधार पर होने वाला है। देखिएगा पिछली जो कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन हुआ था आपको किस आधार पर हुआ था, किस सब्जेक्ट पर आधारित हुआ था, तो ये देखिएगा आप संस्कृत की लेवल टू की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर संस्कृत की कट ऑफ कितनी गई थी और कितना सिलेक्शन हुआ था 2000 यहां पर जो 18 की भर्ती थी रेट की उसमें, तो यहां पर आपसे फॉर्म भराए गए थे, आपका जो फाइनल कट ऑफ आपकी निकाली गई थी उसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो 70% जो वेटेज रखा गया था वो यहां पर रिट की एग्जाम का रखा गया था, और 30% आपका स्नातक का रखा गया था दोस्तों यहां पर, और इस बार जो रखा गया है वो 90% आपका रिट का रखा गया है और 10% आपका बीए का रखा गया है दोस्तों यहां पर। ये इस आधार पर आपकी जो यहां पर पूरी परसेंटेज जो बनेगी वो इस आधार पर बनने जा रही है दोस्तों यहां पर 2021 की भर्ती में। अब देखिएगा यहां पर जो प्रत्येक कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी यहां पर, ये आपकी कट ऑफ है यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट की, तो आप देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों यहां पर। इसके बाद सहरिया की यहां पर देखिएगा देनी रखा है, जनरल कैटेगरी की 74% और बिड की यहां पर 62%, ओबीसी की 73%, एसटी की 70% और एसटी यहां पर मेल और यहां पर फेमेल का 70। अब देखिएगा नेक्स्ट है, यहां पर अगली है जो सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन में 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 2700 पद यहां पर सम्मिलित हुए थे दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन में। अब देखिएगा जो सामाजिक अध्ययन की बात हो रही है इसकी जो कट ऑफ गई थी वही यहां पर देखिएगा जो जनरल कैटेगरी की गई थी यहां पर यानी कि जो 73% गई थी, और यहां पर देखिएगा अलग से महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है दोस्तों यहां पर, केवल और केवल विधवाओं के लिए है ये है, लड़कियों के लिए यहां पर केवल अलग से वैकेंसी निर्धारित नहीं की गई है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि फीमेल और मेल की 1% गई है यहां पर, 1% रखी गई है यानी कि 73.52% पर सिलेक्शन हुआ था दोस्तों यहां पर। बिड डब्ल्यूडी की बिड की यानी कि विधवा वालों की गई थी यहां पर 59.48 पर उनका सिलेक्शन हुआ था, और डिवोर्स वालों की गई थी यहां पर 71%।
डेवॉस वालों की गई थी। ओबीसी की बात करें तो ये ओबीसी की, आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये ओबीसी का है और यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की बात हो रही है, ये एससी की और एसटी की आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों। यहाँ पर ये आपको देखिएगा सामाजिक अध्ययन की फाइनल कट ऑफ लिस्ट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट कट ऑफ है, यहाँ पर जो सामाजिक अध्ययन, यहाँ पर जो सामाजिक अध्ययन है ये टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो उदयपुर है टीएसपी क्षेत्र में आता है, उसकी कट ऑफ देख लो आप कितनी गई थी, उसकी कट ऑफ लगभग थोड़ा बहुत कम गई है, यानी कि जो यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया से संबंधित बहुत, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 70 और यहाँ पर देखिएगा बेड की यहाँ पर सम्मिलित है ही नहीं है बेड, और यहाँ पर टीएससी तो टीएस की 68% गई थी और टीएटी यहाँ पर टीएसटी की गई थी यहाँ पर 66, 65 और यहाँ पर 42। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आ रही है आपकी संस्कृत आ रही है दोस्तों यहाँ पर, और ये टीएसपी एरिया से संबंधित है, तो संस्कृत टीएसपी एरिया की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये उसकी कट ऑफ गई थी 2018 की। अगला जो कट ऑफ देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये है उर्दू सब्जेक्ट की, तो इसका भी आप देख लो उर्दू की आपकी कितनी गई थी यहाँ पर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। अगला देखिएगा यानी कि विज्ञान और गणित में यहाँ पर देखिएगा जो पदों की संख्या थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पद थे, यानी कि 5728 पद थे यहाँ पर, और जो कट ऑफ जो रही थी ये थी आपकी टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ थी दोस्तों यहाँ पर, ये कितनी गई थी ये देख लो आप, यहां पर जो कट ऑफ थी ये आप 74% यहां पर मेल और फीमेल की 74.61 है, और यहां पर ओबीसी मेल और फीमेल की यहां पर 73 गई थी, यानी कि ओबीसी की मात्र 1% कम गई थी जनरल से। एमबीसी की बात करें तो देखिएगा 1% यानी कि ओबीसी से 1% कम गई थी, और एससी की देखिएगा 68.02% गई थी, और यहां पर एसटी की बात करें तो 64% पर एसटी वालों का हुआ था। अगला देखिएगा नेक्स्ट है गणित, और ये तो ये है टीएसपी एरिया, अब टीएसपी एरिया गणित और बिग साइंस से संबंधित देख लो कितनी कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पर ये कट ऑफ गई थी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ गई थी, 64, 58 और 53, यानी कि एसटी की 53 गई थी, सबसे कम गई थी दोस्तों यहाँ पर ये कट ऑफ। अगला देखिएगा नेक्स्ट है जो भाषा है आपकी हिंदी, अब हिंदी सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी यहाँ पर 586 पद, यानी कि काफ़ी कम पद थे, और यहाँ पर टीएसपी एरिया से संबंधित है हिंदी का, ये टीएसपी एरिया की कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको, तो यहां पर देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी का दोस्तों यहां पर, ये हिंदी की कट ऑफ है, तो इसमें जनरल टीएससी और यहां पर टीएसटी ये वालों की कट ऑफ है। अब देखिएगा यहां पर नेक्स्ट है हिंदी, तो हिंदी की है यहाँ पर देखिएगा ये है नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी की जो पदों की संख्या है वो काफ़ी अधिक पद थे, इसमें 4762 पद थे दोस्तों यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के, और ये थी नॉन टीएसपी एरिया से संबंधित है। अब इसमें जो कट ऑफ आप देख लीजिएगा थोड़ी हाई कट ऑफ जनरल की यहाँ पर 71% गई थी, और यहाँ पर देखिएगा बिड की ये पे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, ओबीसी आप देख लो इसमें, एमबीसी आप देख लो, एससी देख लो और एसटी यहाँ पर आप देख लो, ये है आपकी, तो ये आपकी जो कट ऑफ थी दोस्तों यहां पर ये आपकी कट ऑफ है रहने वाली है। आप देखिएगा ये जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इस जो कट ऑफ थी आपकी 2018 की जो कट ऑफ थी दोस्तों यहां पर, उससे लगभग आप प्रत्येक सब्जेक्ट की 5+ लेके चलो, आप 5+ या फिर 8+ लेके चलो दोस्तों यहां पर, इस पर आपका सिलेक्शन होने के चांस बन रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, यहां पर एक एक की आप कट ऑफ देख लो, और जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था उस नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरीके से जरूर रीड कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए प्रत्येक योग्यता रखते हैं, प्रत्येक पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से, और मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोस्तों यहाँ पर, प्रत्येक भाषा की जो आपकी सब्जेक्ट है उसकी यहाँ पर मैं आपको डाल दूंगा सबको।